Good morning, my dear students. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, your teacher of English. And guys, after learning how to write a speech, I am once again in front of you to discuss how to write a debate. Take a debate writing is slightly different from speech writing. and we will talk about what to add, what not to add, what are the points.

तो you need to introduce yourself. आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना थोड़ा सा बताने का मतलब है आप बता सकते हैं आई एम रमन फ्रॉम क्लास ट्वेल्थ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऐसे करके आपको ब्रीफली अपने बारे में और अपनी क्लास के बारे में स्लाइटली सा थोड़ा सा एक सेंटेंस का आपको इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन देना है आपने देखिये अपने बारे में बताने के बाद

I want to say that I have got this point. I have got this data with me. I पे ज़्यादा आपको focus करना है. इसी third point का second part है. Put the facts before. आपको facts को सामने रखना है. You need not hide anything. आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है. जो भी सच्चाई है, let the people know it. लोगों को जानने दो. Do not try to hide anything, guys. फैक्ट्स बिफोर द ऑडियंस ऑडियंस के सामने आपको फैक्ट्स को रख देना है बिना सोचे समझे आपको सच्चाई के बारे में बताना पॉइंट नंबर लेना उस पर अडिग रही है टिल द एंड ऑफ द डिबेट टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ योर्स जो भी आप बोलने वाले हैं टेक अस्टैंड और इसी का सेकेंड पार्ट है पुटअप क्वेश्चन आप क्वेश्चन भी पूछते रहिए डू यू नो करके डिड यू नो डू यू नो हाउ मैनी स्कैम्स है प्रीवियस गवर्नमेंट लाइक दिस ऐसे कर करके आप क्वेश्चन भी पूछते रहिए फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है कंक्लूड विद डिटर्मिनेशन जब भी आप कंक्लूड करने जाए डिबेट को गायस गो फॉर विद डिटर्मिनेशन डिटर्मिन रही है स्ट्रॉन्ग रही है पॉइंट के ऊपर और उसको कंक्लूड कर दीजिए और लास्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है thanks the audience it is very very important guys uh, it was a mandatory part of speech writing as well और जब भी आप debate लिखें तो भी आपको क्या करना है guys audience का thanks करना है तो points agar अगर आपको याद guys गाइज dos अगर आप कर लेते हैं तो आप you can easily write down debate आप debate लिख भी सकते हैं debate deliver भी कर सकते हैं फिर मैं एक बार बता देता हूँ आपको ब्रीफ में कौन कौन से points हैं पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है यू नीड टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस yourself

फेवर में भी और अगेंस्ट में दोनों जगह नहीं बोल सकते आपको स्टैंड में बोल स्टैंड लेना है और स्टैंड में ही लिखना है पुट अप क्वेश्चन आप डू यू यू नो नो करके you know करके डिड आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं यू नीड टू कंक्लूड विद डिटर्मिनेशन आपको कंक्लूड एंड डिटर्मिनेशन से करना है एंड एट द एंड ऑफ डिबेट राइटिंग यू नीड टू थैंक्स द ऑडियंस फॉर बींग पेशेंट लिसनर फॉर रिपोजिंग देयर फेथ इन यू फॉर शोइंग देयर ट्रस्ट फॉर शोइंग देयर पेशेंस आपको ऐसे करके वाइंड अप करना है तो दैट ऑल अबाउट डूज कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं क्या 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 करना है लेट्स मूव ऑन टू डोंट्स कि क्या क्या आपको नहीं करना एक डिबेट लिखते वक्त लेट्स लेट्स लुक लुक एट एट टू पॉइंट नंबर नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स डिटेल्साइज जब भी आप जब भी आप डिबेट लिख रहे हैं तो मेक श्योर यू डोंट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें पर्सनल डिटेल्स का मतलब है यू नीड नॉट मैंशन च वट इज योर हाउस नंबर आपका हाउस नंबर क्या है या आपका मोबाइल नंबर क्या है कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर नहीं करनी जब एग्जामिनर आपको एक हेडिंग देगा तो उसके अंदर एक, एक फेक नाम होगा आपको वही नाम यूज करना है डू नॉट ऐड योर पर्सनल डिटेल्स टू इट अपनी पर्सनल डिटेल्स को उसके अंदर कभी ऐड ना करें सेकेंड जब भी आप डिबेट लिख रहे हैं नेवर कॉन्ट्रैक्ट द वर्ड्स वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट ना करें शॉर्ट फॉर्म्स ना लिखें आई एम है तो उसको आई एम ही लिखे नाइट है तो एन एट ना लिखे उसको पूरा वर्ड नाइट लिखे अवॉइड द यूज ऑफ एस एम एस लैंग्वेज एस एम एस लैंग्वेज को भी यूज ना करें पहला पॉइंट था नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स सेकेंड है आपको वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट ना करें और एस एम एस लैंग्वेज का यूज ना करें लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर थर्ड नेवर पुट फॉरवर्ड रॉन्ग फैक्ट्स और डेटा कभी भी गलत डेटा को सामने ना रखें देखिए आई हैव सीन लॉड ऑफ स्टूडेंट्स वेन इट कम्स टू स्टैट्स जब स्टैट्स लिखने की बारी आती है जब डेटा लिखने की बारी आती है तो सम ऑफ समूडेंट एड वट एवर दे डू वट एवर दे जो भी वो चाहे वो ऐड कर सकते कर देते हैं वो ऐड कर देते हैं जो उनके मन में आता है वो ऐड कर देते हैं विच इज एप रॉन्ग देखिए कोई भी यू नीड टू कंसीडर द पर्सन हु इज गोइंग टू चेक योर एग्जाम सुपीरियर टू यू जो आपका एग्जाम चेक करने वाला है उसको सुपीरियर समझो ये मत सोचिए वो आपसे इन्फीरियर या आपसे कम नॉलेज रखता है आपको फैक्ट्स को जेनुअन फैक्ट्स को लिखना है अगर आपको जेनुअन नहीं पते नहीं पता तो स्टॉप राइटिंग इट उसको लिखना बंद कीजिए पॉइंट नंबर फोर्थ डोंट रिपीट द वर्ड सम स्टूडेंट्स बिलीव दैट दे आर स्मार्टर देन द एग्जामिनर सम स्टूडेंट्स बिलीव दैट दे आर स्मार्टर देन द टीचर्स एंड दे आर नॉट लेट मी बी वेरी फ्रैंक

Point number fifth, do not exceed the word limit. The word limit of writing a debate is around 150 to 200 words. I mean, minimum words should be 150 and maximum should be 200. And do not go beyond it, do not get carried away. Point number six, you know, while delivering a debate, while debating with others, or while writing a de debate, we get carried away soon. and We write whatever we want.

पैरामीटर्स होता है जिनके बेसिस पर मार्क्स दिए जाते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इवेलुएशन टीम सी बी एस ई इवेलुएशन टीम मैं पार्ट रह चुका हूँ उसका एंड आई वेरी वेल नो कि कहाँ मार्क्स दिए जाते हैं कहाँ नहीं दिए जाते तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिनके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे पॉइंट नंबर वन एस का इज फॉर्मैट देखिए अगर आप फॉमैट को फॉलो करते हैं यानी फॉर्मल एड्रेस फॉर्मल थैंक्स का यूज करते हैं जो आप ग्रीटिंग्स यूज करते हैं और एंड में थैंक्स करते हैं तो यू आर गिवन अ मार्क आपको मार्क दिया जाता है सेकेंड सेकेंड आपको चीज याद रखनी है कंटेंट के मार्क्स आपको किस बेसिस पर मिलेंगे पहला तो लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेलिवेंस आपका जो टॉपिक होता है जो आप लिख रहे हैं इट शुड बी रिलेटेड टू द हेडिंग जो आपसे पूछा गया है आपको उसी के बारे में लिखना इट शुड बी रेलिवेंट रेलिवेंट होना चाहिए गाइस सपोज आपसे पॉपुलेशन के ऊपर एक स्पीच डिलीवर करने के लिए कही गई है तो आप पॉपुलेशन के बारे में ही लिखिए पोल्यूशन पे ना आए चाइल्ड लेबर पे ना आए चाइल्ड मैरिज पे ना आए यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट दैट कंटेंट शुड बी रेलिवेंट द कंटेंट शुड बी लॉजिकल आपको याद रखना साथ में क्या लिखा हुआ है क्रेडिट शुड बी गिवन फॉर द कैंडिडेट्स क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटिंग हिज और हर ओन आइडियाज कंटेंट तो आपका लॉजिकल होना चाहिए अनडाउटेडली देर इज नो सेकेंड में मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि अगर कैंडिडेट क्रिएटिविटी दिखाता है इफ ही और शी यूज एक्सटेंडेड वोकेबुलरी अगर वो अच्छे फ्रेजेस का अच्छे सेंटेंसेस का अच्छी वोकेबुलरी का अच्छे ईडियम्स का, का यूज करता है यानी अच्छी तरह उसको एक्सप्रेस करता है तो ही और शी शुड बी अवॉयड विद ही शी शुड बी गिवन सब एक्स्ट्रा वेटेज उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेटेज भी दी जाए तो ये चीज आपको याद रखनी है Let's move on to the third parameter जहां पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं कि आपकी एक कैसी है ग्रामेटिकल आपकी ग्रामर कैसी है वेदर यू आर मेकिंग द करेक्ट सेंटेंसिस नॉट क्या आप ग्रामर का सही तरीके से यूज कर रहे हैं या नहीं या जो आपके मन में आ रहा है वो ले आपको एक्यूरेसी पे आपको ग्रामर पर अप्रोप्रिएट वर्ड्स आपके वर्ड्स का सिलेक्शन क्या है स्पेलिंग स्पेलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि स्पेलिंग्स आर नॉट चेक्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्पेलिंग गलत है यू आर मेकिंग द एग्जामिनर एलिजिबल फॉर डिडक्टिंग योर मार्क्स एंड नो बडी कैन स्टॉप यू नो बडी कैन स्टॉप द एग्जामिनर फ्रॉम डिडक्टिंग द मार्क

अगर ये सारे पॉइंट्स आप याद रखते हैं तो गाय बिलीव मी यू कैन राइट अ गुड डिबेट आप एक अच्छी डिबेट लिख सकते हैं चलिए फटाफट बिफोर वी वाइंड अप एक बार हम देख लेते हैं आज हमने लेक्चर में क्या किया है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं हमने बात की थी कि डिबेट लिखते वक्त हमें क्या क्या याद रखना है क्या क्या करना है डूज में शुरुआत में यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है आपको यू नीड टू टेल वेदर यू आर इन फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट एम्फेसाइज ऑन आई आर्टिकल में जैसे हम वी का यूज करते हैं यहां पर आप आई का यूज कीजिए पुट द फैक्ट्स बिफोर जो सच्चाई है जो फैक्ट्स है पुट इट बिफोर टेक अ स्टैंड पुट अप क्वेश्चन स्टैंड लीजिए क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ डू यू नो डिड यू नो से फिफ्थ वन कंक्लूड विद डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन से कंक्लूड कीजिए कोई शाईनेस कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए एंड इन द एंड थैंक्स द ऑडियंस फॉर बींग सो पेशेंट फॉर लिसनिंग टू यू थ्रू आउट योर डिबेट ऑडियंस का भी आपको थैंक्स करना उसके बाद हमने बात की थी डोंट्स की कि आपको न्याय क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बताया था नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स अपने एड्रेस कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना लिखें जब भी आप डिबोट डिबेट लिख रहे हैं नेवर कॉन्ट्रैक्ट द वर्ड्स और यूज एस एम लैंग्वेज वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट ना कीजिए और ना ही एस एम लैंग्वेज का यूज कीजिए एस एम लैंग्वेज मतलब वर्ड्स को शॉर्टन ना कीजिए शॉर्ट फॉर्म में ना लिखिए वी गज आर यूज टू हैविंग मोबाइल्स इन आर हैंड थ्रू आउट द डे तो हमारी आदत पड़ जाती है एस लैंग्वेज का उसको ना करें नेवर पुट फॉरवर्ड रॉन्ग फैक्ट्स और डेटा कभी भी गलत फैक्ट्स और डेटा को सामने ना रखें डोंट रिपीट द वर्ड्स सेंटेंस इन शॉर्ट से नो टू रेपी रिपीट ना करें चाहे वो फ्रेजेज हों वर्ड्स हो सेंटेंस हो फ्रेजल वर्ब्स हो वट एवर इट इज कभी भी किसी चीज को रिपीट ना करें डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट से ऊपर ना जाए मैक्सिमम 200 सौ वर्ड लिखे हैं मिनिमम वन फिफ्टी वर्ड्स एंड सिक्स अबी भावनाओं में ना बहे स्टिक टू डाउन लॉजिकल पॉइंट्स लॉजिकल पॉइंट्स को लिखिए जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखिए तो ये हैं गैस डोंट्स छः डूज आपको याद रखने छोट्स आपको याद रखने डूज एंड डोंट्स अगर आपको पता है तो यू विल नेवर गेट योर मार्क्स डिडक्टेड उसके बाद मैंने आपको बताया कि मार्क्स क्यों मिलते हैं आपको किन बेसिस पे मिलते हैं तीन पैरामीटर्स पर आपको मार्क्स मिलते हैं फॉरमैट जिसमें आपका फॉर्मल एड्रेस होता है फॉर्मल थैंक्स होता है उसके लिए आपको मार्क मिलता है सेकेंड कंटेंट कंटेंट देखा जाता है आपका कि लॉजिकल है या नहीं कोहेरेंस है या नहीं क्रेडिट दिया जाता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि आप हट के कैसे लिखते हैं क्या आप अपने वर्ड्स लिखते हैं या कॉपीड एंड पेस्टेड लिखते हैं ये सारा आपको एक्स्ट्रा इसके लिए वेटेज दी जाती है एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है एक्सप्रेशन आपके चेक किए जाते हैं हाउ एकूरेट यू आर कि आप एकट कितने हैं डेटा आपका सही है या नहीं वेदर यूर राइटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेज और नॉट की आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिख रहे हैं नहीं अप्रोप्रिएट वर्ड्स का आप यूज कर रहे हैं नहीं स्पेलिंग्स मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं आप फ्लुएंसी कैसी है आपका फॉर्मैट कैसा है कोहेरेंस रेलिवेंस ऑफ आइडिया स्टाइल है या नहीं तो वैसे अगर ये चीजें सारी आप याद रखते हैं तो बिलीव मी यू कैन गेट टेन आउट ऑफ टेन इन डिबेट राइटिंग फिर मैं आपको बता दूंगा इस थोड़ा सा डिफरेंस है स्पीच में और डिबेट में अदरवाइज ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट क्या सेम है बस डिबेट के अंदर यू नीड टू पिक यू नीड टू स्पीक ईदर इन फेवर ऑफ द मोशन और अगेंस्ट द मोशन सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट डिबेट राइटिंग मैंने आपको ब्रीफ में बहुत शॉर्ट में बता दिया है कि डिबेट को कैसे लिखा जाता है व्हाट आर द पैरामीटर्स टू कीप इन माइंड व्हाट आर द पैरामीटर्स नॉट टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग अ डिबेट ये सारी चीजें मैं आपको डिस्क्लोज कर चुका हूँ इसके अलावा गैस एज यू नो देर आर फ्यू केसेज इन रेवाड़ी इस बिल रेवाड़ी में भी कुछ केसेस आ गए हैं कोरोना के तो आई वुड एडवाइज़ यू टू स्टे सेफ सेफ रहिए घर पर रहिए समझिए चीज़ों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है गो टू द कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में जाइए डू राइट व्हाट योर फीलिंग हाउ योर फीलिंग आप क्या फील कर रहे हैं आपको वीडियोस कैसे लिख रहे हैं अपने अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करना सीखिए और इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड एनी इशू यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर एज वेल विच यू ऑलरेडी हैव थैंक यू वेरी मच गाइस हैव एन आई स्टेट